नहीं, वर्धमान कंपाउंड में ये बिल्डिंग का हादसा हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर हुई है। ये बिल्डिंग G+2 की थी और हादसा होने के बाद TDRF, NDRF और रेस्क्यू टीम जो है, इन्होंने 12 लोगों को बाहर निकाला है, उसमें से 9 लोग जीवित हैं और उनके ऊपर उपचार शुरू है। 3 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है और अभी भी रेस्क्यू का काम शुरू है। निश्चित रूप से पूरी टीम, पूरी यंत्रणा यहाँ काम कर रही है और कुछ लोग होने की मलबे के नीचे आशंका है और उनको बचाने का पूरी कोशिश यहाँ पर यह हमारी रेस्क्यू टीम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि अभी भी बचाव कार्य जो है ये रेस्क्यू टीम कर रही है। इसमें जो मृत्यु हो रहे हैं उनको शासन की ओर से 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और जो घायल है उनका पूरा इलाज जो है ये सरकार की ओर से किया जाएगा। भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसलिए मैं कमिश्नर और कलेक्टर उनको दोनों को सूचित किया है कि जो बहुत ही गंभीर जर्जर जो बिल्डिंग है, अति धोखादायक, उसमें जो लोग रहते हैं उनको, ये बारिश आगे आने वाली है, बारिश में कई घटना ऐसी हुई है, इसलिए उनको पूरी तरह सुरक्षित जगह पर उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता है। और इसका पुनर्विकास का जो एक प्रस्ताव है, इसे भी तुरंत बनाने की सूचना भी मैंने दी हुई है ताकि ये परमानेंट सॉल्यूशन इसके ऊपर, ये कि ये समूह विकास, क्लस्टर डेवलपमेंट, और इसके तहत ये भिवंडी हो या अन्य शहर हो, या ऐसी धोखादायक जो बिल्डिंगें हैं, जो पुरानी जर्जर इमारतें हैं या कुछ ऐसी जो कभी भी बिल्डिंगें गिर सकती है, इनके बारे में निश्चित रूप से शासन को भेजे, ऐसे मैंने सूचित किया है। शासन इसमें जो भी आवश्यक बदलाव आवश्यक है, इससे पुनर्विकास ना रुके, पुनर्विकास जल्द से जल्द हो, वो अवश्य बदल बिल्कुल शासन के माध्यम से किए जाएंगे।